तो गाइस, आज से शायद 6 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था। आप ये वाली वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि बेबी जॉन मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड होने जा रही है, और 30 मई जो है कल की 2098 AD मूवी के लिए शायद वो फिक्स्ड होने जा रही है। न्यू रिलीज डेट जो है कल की 2098 AD मूवी का, क्योंकि इलेक्शन भी ख़त्म हो रहे हैं और 30 मई रिलीज डेट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायरल है कि कल की 2098 AD मूवी उस दिन आ सकती है। कई सारे बड़े बड़े सोर्सेस से हमें ये डेट पता चली है। और बेबी जॉन मूवी जो है वरुण धवन का, वो 31 मई को आने वाली थी और वो पोस्टपोन्ड होने जा रही है, बोल करके मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज राहुल राउत करके एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने पहले पिंक बिल्ला के साथ काम कर रहे थे शायद, और अभी पिपिंग मून मून में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कल ही एक अपडेट दिए हैं। तबीयत बहुत नासाज है दोस्त, सॉरी। तो कल ही वो एक अपडेट दिए हैं कि बेबी जॉन मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है बोल करके। तो ऑफिशियल जो रिलीज डेट है ये लोग बहुत ही जल्दी खुलासा करेंगे, मेरे ख्याल से न्यू रिलीज डेट के साथ ही ऑफिशियल आएंगे बेबी जॉन के मेकर्स। लेकिन बेबी जॉन मूवी जो है 31 मई से हट चुकी है, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, कब तक जा रही है पता नहीं। तो गाइस, 30 मई जो है कल की 2098 AD मूवी के लिए जो रिलीज डेट जो बहुत ज्यादा वायरल है, तो अभी वो कल की 2098 AD मूवी के लिए फिक्स तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि जून में देखो, इंडियन 2 मूवी की जब बात करते हैं तो जून के महीने में इंडियन 2 मूवी आ रही है, और 31 मई को बेबी जॉन था वो भी हट चुकी है। तो 30 मई जो कल की 2098 AD मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा वायरल है वो फिक्स्ड हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि 17 अप्रैल को ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह कुछ होने वाला है बोल करके जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बोला तो जा रहा है कि वो जो एनिमेटेड प्रीलोड है इन लोगों का, उसका टीजर हमें देखने को मिलेगा, और इसका फुल वीडियो जो है फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन पहले देखने को मिलेगा, जहां पे हमें स्टोरी अच्छी तरह से मालूम होगा। तो ये जो 17 अप्रैल है जो, और 2 दिन के बाद जो आ रही है, तो मेरे ख्याल से उस दिन ये लोग एनिमेटेड वीडियो छोड़ेंगे, उसका टीजर छोड़ेंगे और न्यू रिलीज डेट को मेंशन करेंगे, या फिर और कुछ नया आउटपुट लेकर के आएंगे पता नहीं। लेकिन 17 अप्रैल को कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन लोगों का होने वाला है न्यू रिलीज डेट का, और वो न्यू रिलीज डेट जो है, ये सारी अपडेट को हम जब देखते हैं, 31 मई से हट चुकी है बेबी जॉन, जून के महीने में आने वाली है इंडियन 2, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो गाइस 30 मई ही इन लोगों का ऑफिशियल रिलीज डेट होने वाली है, जो अनाउंसमेंट ये लोग करेंगे 17 अप्रैल को, मतलब 2 दिन के बाद। देखते हैं क्या हो रहा है आगे। खैर, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, डार्लिंग प्रभास का कंटिन्यू हो जाएगा ये। अगर 30 मई को अगर फिल्म आती है, कल की 2098 AD मूवी जो है 30 मई को आती है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलार मूवी के बाद अभी तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं लगी है थिएटर में। सलार मूवी ही एक लास्ट मूवी थी जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन करी है। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ में काफ़ी उम्मीद था कि ये फिल्म जो है 500 करोड़ के अबव तो जाएगा ज़रूर कुछ ऐसा, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी देखने के बाद, उसके माहौल को देखने के बाद, ऑडियंस की रिएक्शन को देखने के बाद, नहीं लग रहा है कि ये फिल्म कुछ खास कर पाएगा। कितना कर पाएगा मैं नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी इसका रिव्यू दे करके बहुत गालियां झेल रहा हूं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का कलेक्शन, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होने की चांसेस है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 की कल की 2098 AD मूवी पहली बड़ी मूवी होगी जो कि 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी होगी। मेरे ख्याल से ये तो 1000 करोड़ के ऊपर ही जाएगा, कितना होगा अभी से हम ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की 2098 AD मूवी जो है 2024 की पहली बड़ी मूवी होने वाली है जो कि सबसे ज्यादा कलेक्शन करेगा, मतलब एक ग्रांड बड़ी मूवी की, जो हम जश्न वाली, जो थिएटर के सामने जो माहौल वाली जो बात करते हैं, वो कल की 2098 AD मूवी के साथ 2024 में पहली बार होगा। और सलार के बाद कल की 2098 AD मूवी का होगा, मतलब डार्लिंग प्रभास का लगातार दो दो फिल्म होने वाली है, मतलब थिएटर के सामने जो माहौल, जो भीड़, जो जश्न मनाते हैं फिल्म के साथ, वो सारा चीज़ जो है सलार के बाद अभी कल की 2098 AD मूवी का होने वाला है। वो चाहे 30 मई की रिलीज डेट हो, या फिर जून का रिलीज डेट हो, या फिर जुलाई का रिलीज डेट हो, क्योंकि अभी और कोई बड़ी मूवी नहीं है। अभी और कोई बड़ी मूवी नहीं है, तो लोगों के अंदर जो फिल्म को लेकर के, एक फिल्मी बंदा है जो कि थिएटर जा करके एकदम से जश्न मनाता है, एंजॉय करता है, चिल्लाता है, खतरनाक जो वाइब्स लेकर के आता है थिएटर से, तो वैसा वाला फीलिंग्स जो है कल की 2098 AD मूवी दिलाने का एक बहुत बड़ा चांस है उसके पास। सलार के साथ दिए थे प्रभास, अभी कल की 2098 AD मूवी के साथ देंगे, मतलब लगातार देंगे। तो गाइस कल की 2098 AD मूवी के पास एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि जो भी जो जो लोग फिल्मी बंदे होते हैं, जो फिल्म देखने में रुचि रखते हैं, जो थिएटर में जा करके चिल्लाते हैं, एंजॉय करते हैं, जो इस तरह के जो बंदे होते हैं, वैसा वाला माहौल अभी जो है ना
नहीं बन पाया है। ओके, अभी तक नहीं बन पाया है, तो कल की 298 AD मूवी के साथ वो माहौल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें और कल की 298 AD मूवी एक अच्छी मूवी निकलती है, लोगों को कनेक्ट हो जाती है, तो भाई इसका कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अगर फिल्म 30 मई को रिलीज होती है तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जून जुलाई दो दो महीना फिल्म को मिल रही है। क्योंकि मतलब देखो, जब भी कोई इंडियन टू मूवी की अगर बात करें, ओके, इंडियन टू हो गया, जेलर मूवी हो गया, ऐसी फिल्में देखो, जेलर मूवीज का एग्जांपल हम ले ले ले, ले जाते हैं। जेलर मूवी जब रिलीज हुआ था ना, तो प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पे रिलीज नहीं हुआ था, सारे लैंग्वेज में रिलीज हुए थे लेकिन स्क्रीन नहीं मिले थे। ओके, तो ऐसा हो ही जाता है, ऐसा हो ही जाता है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पे फिल्म रिलीज करने का जो है वो प्रभास की फिल्म के साथ होता है, थलापति विजय सर का भी नहीं हो पाता है। ओके, मतलब वो अभी जो उनका फिल्म आया था, काफ़ी कलेक्शन करी भाई, जबरदस्त कलेक्शन, ये मतलब डे वन कलेक्शन 140 करोड़ के प्लस था, लेकिन हिंदी में बहुत ही ज़्यादा कम था। ओके, तो मतलब प्रभास का होता है, रॉकिंग स्टार यश का होगा अभी, और अल्लू अर्जुन का होगा। ओके, इन सारे हीरो लोगों का ना एकदम से प्रॉपर पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होता है, हिंदी में भी, बाकी सारे लैंग्वेज में भी, हर जगह पे बुलावाला रहता है, एकदम प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म होता है। ओके, तो इंडियन टू एक ऐसा फिल्म होगा जो कि नॉर्थ साइड में, मतलब तमिल छोड़ देने के बाद, बाकी सारे लैंग्वेज में एकदम से प्रॉपर तरीके से रिलीज होगा, वो थोड़ा भरोसा नहीं हो पाता बाकी सारी फिल्मों के, अगर हम एक्सपीरियंस लें तो। ओके, पैन इंडिया बोल देते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको रिलीज नहीं कर पाते। ओके, तो कल की 298 AD मूवी अगर 30 मई को रिलीज होती है तो जून जुलाई सारा का सारा महीना खाएगा, अगर लोगों को पसंद आ गया। भाई ये बहुत बड़ा कंडीशन है, लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों को कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये चमत्कार होगा। ओके, और इस तरह का कलेक्शन, इस तरह का भीड़ देखने को मिलेगा। और कल की 298 AD मूवी के बारे में जितना कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है, अभी तो बहुत सारे लीक पिक्चर वगैरह भी आने लगी है, इन सारी चीज़ों को देख करके लग ही तो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। वार्नर ब्रदर्स भी कह रहे थे ना कि कल की 298 AD मूवी के मेकर्स को हम क्या बताएं, वो लोग ऑलरेडी टॉप पे जा रहे हैं, ज़बरदस्त बना रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है भाई। 17 अप्रैल को बस धोखा ना दे, कुछ आ जाए ऑफिशियल तरीके से, तभी मज़ा आएगा। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मैं एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से रिपीट करके आप लोगों को बोलता हूँ कि 30 मई फिल्म का रिलीज डेट, मतलब कल की 298 AD मूवी का रिलीज डेट जो है ऑलमोस्ट फिक्स्ड है भाई। ओके, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, लिटरली कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ।